जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चल पर सकती बड़ी खबर के साथ। एक बार सामने मौत है जहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, पांचों राज्यों के चुनाव में बीजेपी को हार दिखाई देने लगी है। यही बड़ा कारण है कि राहुल गांधी समेत बड़े बड़े नेताओं के फोन टैपिंग कराए जा रहे हैं। बताएंगे आपको इस पूरे मामले पर, क्या सुप्रीम कोर्ट जाने वाला है पूरा विपक्ष, इसकी जबरदस्त तैयारी चल रही है। बताएंगे भारत सरकार की ओर से कौन सी चिकनी चुपड़ी बातें कही जा रही है दोस्तों। इसी के साथ में सपा बसपा को वोट देने की अपील कर आए क्या अमित शाह, बीजेपी के नेताओं के सामने ही अमित शाह ने दिया ऐसा गुरु मंत्र जो बीजेपी के लिए विनाश का मंत्र साबित होगा। दोस्तों सिलसिलेवार तरीके से सारी बड़ी अपडेट एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि मध्य प्रदेश के चुनाव और राजस्थान के चुनाव में भाजपा को हार का डर सता रहा है, इसीलिए सरकारी तंत्रों का इस्तेमाल करके विपक्षी नेताओं के फोन को हैक कराने की कोशिश की जा रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को विपक्षी नेताओं के द्वारा राज्य प्रायोजित हमला यानी स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग किए जाने को लेकर आईफोन के द्वारा दी जा रही मैसेज के बाद बीजेपी के खिलाफ जोरदार निशाना साधा है। यानी दोस्तों जितने भी नेता आईफोन चला रहे हैं उन सभी को एक नोटिफिकेशन मिला जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि सरकार के द्वारा आपके फोन को हैक करने का प्रयास किया जा रहा है। शायद इसलिए ऐसा किया जा रहा है क्योंकि आप लोग ऐसे काम करते हैं जो सरकार को पसंद नहीं आ रहा है। यानी दोस्तों आईफोन की ओर से भेजे गए वार्निंग मैसेज के बाद पूरे नेताओं के साथ साथ देश के सियासी गलियारों में हड़कंप मची हुई है। राहुल गांधी ने आनंद फानंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हुए टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि देश भर में विपक्षी नेताओं को एप्पल ने नोटिफिकेशन भेजा है जिसमें लिखा गया है कि राज्य प्रायोजित हमलावर उनके फोन को हैक करने की कोशिश कर रहा है। ये मैसेज मेरे ऑफिस के लोगों के साथ ही विपक्ष के कई नेताओं को आया है। हम इस बात की पूरी तफ्तीश करा रहे हैं, लिस्ट तैयार कर रहे हैं। केसी वेणुगोपाल, पवन खेड़ा, सीताराम येचुरी, प्रियंका चतुर्वेदी, टीएस सिंहदेव, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा को एक एक नोटिस मिला है। राहुल गांधी ने कहा कि काफी समय से विपक्षी दल राजा पर हमलावर हो रहे हैं लेकिन असली पावर तो उसके तोते के हाथ में है। जैसे ही हम अडानी को टच करते हैं हमारे पीछे एजेंसियां लगा दी जाती है। पहले मैं सोचता था कि प्रधानमंत्री नंबर एक है, नंबर दो अडानी है, अमित शाह नंबर तीन है, लेकिन ये बात गलत है। नंबर वन तो अडानी है, राजा की जान उसके तोते में है। कुल मिलाकर दोस्तों अडानी को तोता बताकर जोरदार निशाना साधते हुए राहुल गांधी नजर आए हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि इधर तोते की गर्दन पकड़ी उधर क्रूर राजा तड़पने लगता है, जितनी जासूसी करनी है कर लो, हम डरने वाले लोग नहीं है, लड़ने वाले हैं। साथ साथ दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी नेताओं को गुरु मंत्र देने का वीडियो और न्यूज वायरल हो रहा है, जिसके अंदर अमित शाह ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं जिस पर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ये वाकई में चाणक्य है बीजेपी के या फिर भाजपा के चाणक्य के नाम पर बीजेपी के विनाश में जुटे हुए हैं। बता दें आपको कि अमित शाह ने मध्य प्रदेश के अंदर चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कई सारी बातें कही है, लेकिन जब प्राइवेट में बीजेपी के कार्यकर्ताओं से उन्होंने बातचीत की तो अमित शाह ने ग्वालियर के अंदर विनाश का मंत्र देते हुए बीजेपी के नेताओं से कहा कि वो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों का सहयोग करे क्योंकि यह कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा, मगर अमित शाह का ये तथाकथित गुरु मंत्र बीजेपी के लिए विनाश का मंत्र साबित होगा। इसके पीछे कई तर्क है दोस्तों। पहला तर्क यह है कि भिंड विधानसभा सीट से बीजेपी के कई बार के नेता संजीव सिंह कुशवाहा को इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो वो मैदान में उतरे हैं बीएसपी की टिकट पर और इसलिए ज्यादातर वोट तो उन्हें बीजेपी के समर्थक ही देंगे। और ऐसे में अमित शाह का यह कहना कि बीएसपी के समर्थकों को उम्मीदवारों को सपोर्ट करना, इसका सीधा मतलब यह है कि बीजेपी के और नेताओं से अपने ही बागी नेता पर वोट डालने की अपील कर रहे हैं अमित शाह। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह जो बीजेपी के लोगों को राय दे रहे हैं ये बीजेपी के लिए 100% विनाश साबित होगा। ऐसी ही एक सीट है अटेर विधानसभा की, जहां पर बीजेपी के दो बार के विधायक मुन्ना सिंह भदौरिया ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया और बगावत के बाद जब वो नामांकन भरने के लिए पहुंचे तो भारी संख्या में बीजेपी के समर्थकों ने उनका सपोर्ट किया। समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और अमित शाह के मंत्र के हिसाब से बीजेपी के लोगों को अपने बागी नेता का ही साथ देना चाहिए और अगर बीजेपी के लोग अपने बागी नेता का सपोर्ट करेंगे तो जो बीजेपी के आधिकारिक यानी ऑफिशियल प्रत्याशी है उनके वोट अपने आप कम हो जाएंगे और कांग्रेस पार्टी को आसानी से अटेर विधानसभा में जीत मिल जाएगा। यानी यहां पर भी अमित शाह का जो मंत्र है वो बीजेपी के लिए विकास नहीं बल्कि विनाश लेकर आ रहा है। साथ साथ दोस्तों लहार विधानसभा के अंदर भी और ज्यादा भाजपा के तथाकथित चाणक्य की रणनीति फेल होती नजर आ रही है। लहार विधानसभा के अंदर बीजेपी से बगावत कर चुके रसाल सिंह को बीएसपी ने टिकट दिया है। उमा भारती के कट्टर समर्थक रसाल इस बार बीएसपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं जिसके कारण उनको ज्यादा से ज्यादा बीजेपी के समर्थकों का वोट मिल रहा है और ऐसे में अमित शाह की माने तो बीजेपी के लोगों को और ज्यादा बागियों को सपोर्ट करना चाहिए। क्या अमित शाह वाकई भाजपा को जिताने की बातें कर रहे हैं या फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस बार पूरी तरीके से चुनाव हरवाने के मूड से मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं? आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। साथ साथ शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को दिल्ली बुलाए जाने पर तंज कसते हुए कहा कि जय और वीरू को दिल्ली बुलाया गया है। इस पर कमलनाथ ने जवाब देते हुए कहा कि शिवराज जी जय और वीरू नहीं, अत्याचारी गब्बर का हिसाब किया था। मध्य प्रदेश 18 साल से अत्याचार से त्रस्त है, अत्याचार के अंत का समय आ गया है, बाकी आप समझदार हैं। जय वीरू यानी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को लेकर की गई
की टिप्पणी पर ये पलटवार किया गया है। साथ साथ पूरे मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह दो दिन पहले कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में ईडी छापे मार सकती है और अब इसका नजारा जल्द देखने को मिलेगा। बता दें आपको कि सेमरिया से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अजय मिश्रा ने आशंका जाहिर की है कि उनके पीछे ईडी पड़ने वाली है, छापे लगने वाले हैं। इसके बाद उन्होंने अपने सर पर कफन बांधते हुए कह दिया है कि मैं लड़ाई लड़ने को तैयार हूं। जो हरकतें राजस्थान के अंदर की जा रही है मध्य प्रदेश में की जाएगी, लेकिन खुली लड़ाई में जब उतर चुके हैं तो डरना किसी बात को लेकर नहीं है। साथ साथ सीहोर से बीजेपी के कद्दावर नेता जसवाल अरोड़ा ने कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। जसपाल अरोड़ा के साथ हर्ष जैन ने अपने साथियों के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का फैसला लिया है। जसपाल अरोड़ा सीहोर सीट से अच्छी खासी स्थिति रखते हैं। सीहोर नगर पालिका और जिला पंचायत दोनों जगह वो अध्यक्ष रह चुके हैं, यानी उनके पास क्षेत्र के अंदर अच्छा खासा राजनीतिक अनुभव है। कई सारे कार्यकर्ता उनके संकेत पर वोट डालते हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है और कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छे संकेत मिले हैं। साथ साथ दोस्तों मध्य प्रदेश बीजेपी के कृषि मंत्री कमल पटेल ने पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी और उसके बाद अब हरदा नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र जैन ने भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। कमलनाथ उन्हें कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करवाते हुए दिखाई दिए हैं। उनके साथ में दिग्विजय सिंह की भी तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर शेयर की जा रही है। साथ साथ आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अशोक नगर के अंदर एक चुनावी रैली कर रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिसके बाद कई सारे लोगों ने उनके साथ फोटो खिंचवाने का प्रयास किया तो भड़कते हुए कहने लगे कि ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो भैया, पीछे हटिए, पीछे चलिए एकदम। और इसके बाद एक व्यक्ति को हाथ से पकड़कर धक्का देते हुए सिंधिया दिखाई दिए हैं, जिसे लेकर कई सारे लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के अंदर बीजेपी अमित शाह के कहने के बाद जगह जगह हिंदुत्व की राजनीति को प्रमोट कर रही है। कांग्रेस पार्टी राज्य के अंदर लगातार बहुमत की ओर बढ़ रही है और यही बड़ा कारण है कि बीजेपी अब अपने आप को राम मंदिर के मुद्दे के आधार पर आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश में जगह जगह बीजेपी ने राम मंदिर का श्रेय लेने के लिए पोस्टर बैनर लगाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान और तमाम बीजेपी के नेताओं की तस्वीर लगी हुई नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने भी बीजेपी के एजेंडे का पूरी तरीके से करारा जवाब देने का फैसला लिया है और यही बड़ा कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने श्रीलंका में सीता मंदिर बनाने, राम वन गमन योजना, केवट राज की मूर्ति बनाने, श्राद्ध कर्म के लिए हर हिंदू को फंड मुहैया कराने आदि का वादा करते हुए खुद को हिंदुओं का बड़ा समर्थक साबित कर बीजेपी को बैकफुट पर लाने की पूरी कोशिश की है। बीजेपी भी खुलकर भाषणों और पोस्टरों में राम जन्मभूमि का मुद्दा उठा रही है। साथ साथ दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी के नाराज नेताओं से भी अमित शाह ने मुलाकात की है और इसके बाद अपने कार्यकर्ताओं से कहने लगे कि हमें मिलकर आगे बढ़कर चुनाव लड़ना चाहिए, नाराज फूफाओं को मनाने की कोई जरूरत नहीं है। यानी अमित शाह के मनाने के बाद भी बागी नेता नहीं माने तो इस तरीके की टिप्पणियां उनकी ओर से की गई है। साथ साथ सचिन पायलट ने टोंक विधानसभा के अंदर नामांकन दाखिल किया है। उनके नामांकन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। प्रचंड जन सैलाब जहां देखो वहां दिखाई दे रहा है। सचिन पायलट की लोकप्रियता की ये सुनामी है दोस्तों, जो स्पष्ट संकेत दे रही है कि अगर कांग्रेस पार्टी इस बार सचिन पायलट को आगे करके चुनावी मैदान में उतर जाए तो पूरी तरीके से समीकरण कांग्रेस पार्टी के पक्ष में पलट जाएंगे। वहीं पर देश की राजनीति में मोबाइल हैकिंग को लेकर उठाए गए सवाल के बाद अब देश के केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की ओर से टिप्पणी आई है। उन्होंने कहा कि हम एप्पल की तरफ से भेजे गए मैसेज के बारे में कुछ सांसदों के साथ और अन्य लोगों के मीडिया में देखे गए बयानों से चिंतित है। उन्होंने कहा कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उन्हें मिले मैसेज में उनके मोबाइलों पर राज्य प्रायोजित हमलों की बात कही जा रही है। हालांकि इस मुद्दे पर एप्पल के द्वारा जानकारी स्पष्ट नहीं दी गई है कि ये मैसेज उन्होंने खुद ही भेजा है या फिर ये एक तरीके का एरर है। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेत्री सुप्रिया सिनेट की ओर से ट्वीट करते हुए लिखा गया कि राजा की जान तोते में है, राजा और तोते की कहानी नाम है मोदानी। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने तेलंगाना के अंदर एक बड़ा मैसेज भेजने का फैसला लिया है। यही बड़ा कारण है कि कालेश्वरम के अंदर जो प्रोजेक्ट लगाया गया था उसमें करोड़ों रुपए की धांधली का आरोप केसीआर परिवार पर लगाया गया है। बीआरएस पार्टी केसीआर कालेश्वर प्रोजेक्ट को लेकर जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पार्टी के निशाने पर है और यही बड़ा कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना के अंदर जगह जगह कालेश्वर करप्शन राव नाम से एटीएम बनाया है। इस एटीएम में लोगों से आकर जानकारी लेने के लिए कहा जा रहा है कि कैसे कालेश्वरम के लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंदर करोड़ों रुपए की धांधली की गई है। यानी गरीबों को फायदा पहुंचाने के लिए, खासकर किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रोजेक्ट था, लेकिन इस प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए की धांधली के आरोप लगे हैं। कम से कम 1,00,000 करोड़ के धांधली का आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है। ऐसे में बीआरएस पार्टी के नेता इस पर कोई जवाब नहीं दे पा रहे और कांग्रेस पार्टी की ओर से उठाए जा रहे इस प्रोजेक्ट की धांधली को लेकर देखते हैं केसीआर की पार्टी के खिलाफ जनता किस तरीके से वोट करती है, क्या कांग्रेस पार्टी का मैसेज जनता तक पहुंच रहा है। साथ साथ दोस्तों अखिलेश यादव ने भी आरोप लगाया है कि उनका फोन भी हैक किया गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये सभी पार्टी के नेताओं के साथ क्यों करने की कोशिश की जा रही है, इसका मकसद क्या है, क्या लोगों को जानकारी वो लोग लेना चाहते हैं, अगर ऐसा होता रहा तो लोकतंत्र के लिए ये दुखद है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फोन हैकिंग की बात कही है। यानी जितने भी बड़े नेता है जो बीजेपी के लिए बड़ा थ्रेट है उनके फोन को हैक किए जाने का ये बड़ा मामला सामने आया है। इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द इंडिया गठबंधन के लोगों को सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका दाखिल करनी चाहिए और मोदी सरकार के खिलाफ जांच की मांग
करवानी चाहिए। अगर आप भी इस बात से सहमत है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। साथ साथ दोस्तों यूपी के अंदर बीजेपी की स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरीके से बदहाल है, इसकी एक जानकारी लखनऊ से सामने आई है, जहां पर लखनऊ के अंदर संजय गांधी पीजीआई के अंदर इमरजेंसी मेडिसिन विभाग में इलाज न मिलने के कारण पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा के बेटे की मौत के कारण लापरवाही बरतने पर इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया है। इस मामले की जांच के लिए पीजीआई के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन भी किया गया है। रविवार की रात बांदा के पूर्व सांसद के बेटे प्रकाश मिश्रा को गंभीर हालत में पीजीआई के इमरजेंसी वार्ड में इलाज करवाने के लिए लाया गया था। प्रकाश मिश्रा की किडनी में परेशानी थी। पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा का आरोप है कि जब वो अपने बेटे को इमरजेंसी वार्ड के अंदर लेकर आए तो वहां पर बेड खाली ना होने के कारण उनको भर्ती नहीं लिया गया। कुल मिलाकर दोस्तों लापरवाही का ये बड़ा मामला सामने आया है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने लोगो जारी किया है जिसमें एक तोता दिखाई दे रहा है और तोता बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने ADANI शब्द का इस्तेमाल किया है, यानी अडानी शब्द का इस्तेमाल किया है। अगर आप लोगों को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।